तो हम अपने किसान भाई बहनों को आज जानकारी देंगे कि बटन मशरूम की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें जिससे वो लाभान्वित हो सके। आजकल मशरूम बहुत डिमांड में है। मशरूम खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रकृति में हजारों तरह के मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते। इन मशरूमों में बटन मशरूम उत्पादन और आय की दृष्टि से काफ़ी आगे है। किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, जोहार। आज हम चर्चा करेंगे कि बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती हम कैसे करेंगे। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि मशरूम जो है प्रोटीन युक्त कम कैलोरी वाला एक खाद्य पदार्थ है, जिसमें कि स्टार्च बहुत कम होता है, जिसके चलते ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जो है सो कोलेस्ट्रॉल भी इसमें बहुत कम पाया जाता है, जिसके चलते जो हृदय रोग से ग्रसित पेशेंट है वो भी इसको आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में जो है सो काफ़ी कुछ पाया जाता है, जैसे विटामिन B12, विटामिन सी और कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से हम अलग अलग मशरूम की खेती करते हैं। जहाँ तक बटन मशरूम की खेती की सवाल है, तो बटन मशरूम जो है सो आप सभी जानते हैं कि इसको 14 से लेकर के 18 डिग्री तापमान तक हम इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाई जो है सो इसकी खेती 15 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक अपने अपने कमरे में, जो सामान्य कमरा है उसमें, खंड में खास कर रांची में इसको बहुत अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय 15 से 18 डिग्री का तापमान इस मशरूम की खेती के लिए रांची में मिल जाता है। इसमें जहाँ तक इसकी खेती की बात है, तो वैज्ञानिक खेती के लिए हम लोग इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि खाद बनाना, कंपोस्ट बनाना जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कंपोस्ट जो है सो दो तरीका से बनाया जाता है, एक लंबी विधि से, एक छोटी विधि से। जहाँ तक छोटी विधि है, तो छोटी विधि जो है सो सभी किसान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पास्चराइजेशन टनल की आवश्यकता होती है और थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन लंबी विधि से किसान जो है, जो कि सीजनल बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वो लंबी विधि से खाद बना सकते हैं। जहाँ तक हम बताएं कि इसकी खेती 15 नवंबर से शुरू करना है, तो करीब 15 नवंबर से एक महीना पहले अक्टूबर के आसपास जो है सो इसकी इसका खाद बनाना है। बटन मशरूम के लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 85% नमी की ज़रूरत होती है। लंबी विधि का खाद जब हम बनाते हैं, तो इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है उसको मेंटेन करना है। उसमें यह है कि या तो हम 5 क्विंटल कंपोस्ट बनाएंगे एक साथ, या नहीं तो फिर 10 क्विंटल बनाएंगे। जब हम 5 क्विंटल कंपोस्ट बनाएंगे, तो 5 क्विंटल कंपोस्ट में जो है सो 4 क्विंटल पैडी स्ट्रो, जो धान का कुट्टी बोलते हैं या गेहूं का भूसा है, उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन सोर्स के लिए हम लोग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 kg उपयोग में लाते हैं। यूरिया आप सभी जानते हैं, 3 kg यूरिया का उपयोग करते हैं। अगर हमको मिनरल्स भी, इसमें मिनरल्स भी चाहिए, मिनरल्स के रूप में जो है कैल्शियम हम दे रहे हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से। इसके अलावा MOP हम लोग देते हैं, फिर DAP का हम लोग प्रयोग करते हैं। DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिल जाता है। फिर जो है सो हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और नाइट्रोजन के लिए जो है सो हम लोग व्हीट ब्रान का भी उपयोग करते हैं। व्हीट ब्रान जो है सो करीब करीब जो है तो 25 kg लेना चाहिए, जो कि हम 400 kg पैडी स्ट्रो लिए हैं, इसके हिसाब से बता रहे हैं। उसके अलावा जो है सो जिप्सम अगर हम लेते हैं, तो जिप्सम जो है सो 30 kg जिप्सम का भी उपयोग करना चाहिए, और कुछ मोलासेस जो है, जो सीरा बोलते हैं, करीब 5 kg सीरा का उपयोग करना चाहिए।